उत्तराखंड की रूपरेखा अब जल्द ही बदली हुई नजर आएगी। पहाड़ों की नगरी उत्तराखंड में जल्द ही आयुर्वेदा विलेज बनने जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के प्रयासों से चमोली में जिलासु अंगासु जल्द ही आयुर्वेदा कॉलेज विलेज के रूप में यहां देखने को मिलेगा। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, कुछ दिनों में पूरा जिलासु और लंगासु क्षेत्र एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। पर्यटकों को यहां पर पहाड़ की लाइफ का अनुभव होगा, कैसे लोग पहाड़ की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि पहाड़ में पहाड़ जैसा कष्ट भी है। आयुर्वेदा विलेज के तहत पंचकर्मा हॉल, मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, हर्बल गार्डन, इको पार्क का निर्माण किया जाएगा, जबकि ग्रामीण हाट बनाकर लगभग तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ जिलाधिकारी ने आला अधिकारियों के साथ जिलासु का भ्रमण किया और कामों की समीक्षा की। ये जो हमारा एक आयुर्वेदा विलेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जिलासु लंगासु विलेज को मिलाकर दोनों को, तो उसी के क्रम में जिलासु में हमारे कुछ इको हट्स वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं, साथ में रिवर बीच भी डेवलप की जा रही है और वहाँ पे ग्रामीण हाट का भी निर्माण हो चुका है। तो वहाँ पे जो भी आकर रुकेगा उसे एक गाँव वाला जो हमारी पहाड़ी शैली के सभी चीज़ें हैं उसका और पहाड़ी उत्पाद है उनका आनंद मिल सकेगा। साथ में ही उसी से लगा हुआ लंगासु विलेज है, यहाँ पे हमारे पंचकर्मा सेंटर डेवलप किया जा रहा है, वो भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। साथ में मेडिटेशन हॉल भी डेवलप किया जाएगा और हर्बल गार्डन डेवलप किया जाएगा, जिससे कि ये पूरा हमारा जिलासु लंगासु एक अलग से एक अच्छा डेस्टिनेशन बनकर उभरे और यहाँ पे हर प्रकार के जो पहाड़ की लाइफ होती है उसको कोई भी टूरिस्ट एक्सपीरियंस।